दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जिसने मेडिकल साइंस की पूरी तरीके से तस्वीर बदल के रख दी है। हम आज बात करने वाले हैं पेनिसिलिन की। दोस्तों, क्या है पेनिसिलिन और क्या है इसके बनने की कहानी, आज इस हम रोचक कहानी को जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेनिसिलिन क्या है। तो दोस्तों, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स ग्रुप है जो कि वेरियस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकती है। जैसे कि हम बात करें इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइफी या फिर ई कोलाई, मतलब टाइफाइड वगैरह में यूज़ करते हैं हम इसे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दवाई की खोज डायरेक्टली ना होकर चमत्कार के रूप में हुई, जिसे बाद में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का नाम दिया। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल 1928 से 1929 के बीच में सेंट मैरी हॉस्पिटल में, जो कि लंदन में है, वहाँ पर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम करते थे और वो कुछ ही बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफी लोकस बैक्टीरिया। तो चूंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने उस स्टेफी लोकस बैक्टीरिया को पेट्री डिश में रख के और छुट्टी लेके कहीं बाहर चले गए। लेकिन जब वो कुछ दिन बाद छुट्टी लेके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस पेट्री डिश पे जो स्कस बैक्टीरिया था उस पर एक मोल्ड उगा हुआ था, और उस मोल्ड के आसपास उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए थे उसमें। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उस मोल्ड में कुछ ऐसी आत्मरक्षा का रसायन आ गया है, ऐसी प्रणाली आ गई है जिससे कि ये बैक्टीरिया को दूर हटा रहा है। जब इन्होंने उसकी खोज की तो उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया के प्रति मतलब नकारात्मक कार्य कर रहा है, और इसी को उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पेट्री डिश दरअसल कांच की एक पारदर्शी पुतली सी डिश होती है जिस पर उनकी जो सेल्स होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, उसकी सेल को डेवलप किया जाता है वहाँ पे। तो उसी में ये पूरा प्रयोग उन्होंने किया था। इसके कुछ साल बाद तक इसमें और खोजें हुई और उसके बिल्कुल करेक्ट पेनिसिलिन मार्केट में आई, और आप उसको जानते ही हैं कि इसका कितना ज़्यादा यूज होता है। हालांकि दोस्तों, पेनिसिलिन वायरस पर काम नहीं करती, बैक्टीरिया के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा यूजफुल दवा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।